आज का दौर देखिए। डेविड वार्नर को भारत की गलियों में घूमते हुए देखा जाता है। ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली की दोस्ती सोशल मीडिया पर वायरल रहती है और स्मिथ रहाणे जैसे खिलाड़ी अब एक दूसरे के प्रति एक गहरी इज्जत रखते हैं और ये सब आईपीएल की देन है जिसने खेल की सीमाओं को तोड़कर खिलाड़ियों के दिलों को जोड़ दिया। आईपीएल से पहले, बहुत पहले, ये कोई 20-30 साल पहले यही ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन आईपीएल के आया सीन ही बदल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनारा टीवी के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे बदलाव की जिसने न सिर्फ खिलाड़ियों की मानसिकता को बदल डाला बल्कि दो क्रिकेटिंग देशों के बीच के रिश्तों को भी पूरी तरह से बदल करके रख दिया। यह है भारत और ऑस्ट्रेलिया की वो कहानी जो खटास और टकराव से शुरू हुई थी और आईपीएल के आते ही दोस्ती, अपनापन और आपसी इज्जत में तब्दील हो गई। इस वीडियो में विस्तार से बात होगी कि कैसे आईपीएल ने न केवल ऑसीज प्लेयर्स का भारत को लेकर के नजरिया बदला, साथ ही भारतीय खान पान, त्योहार और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज को ऑस्ट्रेलियन रंग में रंग दिया। आईपीएल के आगमन के साथ ही न केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी खेल के मायने बदल गए। पहले जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को प्रतिद्वंदी के रूप में ही देखते थे, अब वही खिलाड़ी एक टीम के साथियों, दोस्त, यहां तक कि परिवार जैसा रिश्ता महसूस करने लगे। पैसों की चमक, करोड़ों की फीस और बड़े बड़े ब्रांड्स ने विदेशी खिलाड़ियों को अपनी ओर खींचा, लेकिन सच मानिए आईपीएल ने सिर्फ पैसा और फेम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, फैंस का प्यार और अपनापन भी उन खिलाड़ियों को दिया जिसने सब कुछ बदल डाला। आइए और देखते हैं उस दौर को जब भारतीय क्रिकेट का चेहरा और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का एटीट्यूड कुछ और ही होता था। 90s के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच मतलब आग में घी डालने वाला मुकाबला। ये वो दौर था जब मैच में सिर्फ रन और विकेट ही नहीं गिरते थे बल्कि गुस्से, चुनौती और अपमान का हिसाब किताब भी होता था। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था और उनका अंदाज ऐसा था कि उन्हें किसी को भी कहीं भी दबा देने का गुमान था, लेकिन भारत हमने कभी हारना सीखा ही नहीं था और जब से दादा हमारे कप्तान बने थे हमने भी अपना एक अलग एग्रेसिव माइंडसेट अपना लिया जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से एकदम अलग था। फर्क इतना था कि हमने बदतमीजी का रुख अख्तियार नहीं किया, ये हमारा कल्चर का एक तरीका था। खैर, दादा की दादागिरी की बात किसी और वीडियो में करेंगे, अगर आप # दादागिरी लिख करके स्पैम करेंगे तो। खैर, उस समय स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर ऐसे उतरते थे जैसे वो बस भारत को अपने आगे झुकते हुए देखना चाहते हैं। उनके एग्रेशन का लेवल इतना था कि स्टीव वॉ ने इसे मेंटल डिसइंटीग्रेशन तक का नाम दे दिया था। उनका मानना था कि मैच जीतने के लिए मानसिक रूप से विपक्ष को पूरी तरह तोड़ना ही उनका अल्टीमेट वेपन था। मैदान पर पॉन्टिंग का वो कड़क चेहरा, उनकी स्लेजिंग भारतीय खिलाड़ियों पर साइकोलॉजिकल वार करने का हिस्सा था। वो जानते थे कि अगर सामने वाले का माइंड कमजोर कर दिया गया तो बाकी का खेल अपने आप आसान हो जाएगा। 2001 का कोलकाता टेस्ट तो आपको याद ही होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जंग का वो ऐसा पल था जिसने दोनों टीमों के बीच की राइवलरी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट जीतते हुए आ रहा था। ये वो टेस्ट मैच था जहां वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि ऑस्ट्रेलियाई ईगो को भी चकनाचूर कर दिया। लक्ष्मण ने 281 रन बनाए और द्रविड़ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की लगभग पक्की जीत को हार में बदल दिया। लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया का इतना खौफ था कि हमने 5वें दिन भी बैटिंग की ताकि ऑस्ट्रेलिया हमारा दिया हुआ टारगेट चेज न कर सके। हालांकि ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लो था ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट पर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जैसे कसम खा ली कि भारतीय टीम को हमेशा दबा करके रखना है। फिर बात करते हैं 2003 के वर्ल्ड कप की, जहां रिकी पॉन्टिंग की टीम ने फाइनल में भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबले में हराया। वो फाइनल मैच एक तरफा था लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और खिलाड़ियों ने इसे एक तरह से भारत को स्लज करने का मौका समझा। मैदान में पॉन्टिंग और उनके साथियों की हंसी, ताने और वो एटीट्यूड, पॉन्टिंग की बल्ले पे लगी स्प्रिंग ने जो आग उगली थी, ये 90s वाले ही जान सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दबाव इतना ज्यादा था कि पहला ओवर खराब डालने के बाद हम उबर ही नहीं पाए और फिर आया वो बदनाम 2008 का सिडनी टेस्ट, शायद क्रिकेट के इतिहास में सबसे विवादास्पद टेस्ट मैचों में से एक। इस मैच में एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच मंकी गेट का वो इनफेमस विवाद हुआ जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिला दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि हरभजन ने साइमंड्स पर नस्लभेदी टिप्पणी की जिसे बाद में खारिज कर दिया गया, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में तल्खी ला दी थी। साइमंड्स और हरभजन के बीच की टकराहट ने एक बात साफ कर दी कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनकी इज्जत का सवाल हो गया था। मैदान में स्लजिंग इतनी बढ़ गई थी कि दर्शक भी इस मुकाबले में डूब गए। उस समय तो ऐसा लगा मानो दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हो रहा हो। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया का एटीट्यूड ऐसा था कि वो खुद को क्रिकेट का शेर समझते थे और उन्हें लगता था कि भारत जैसी टीमें बस उनके सामने झुकने के लिए ही बनी है। मैदान पर तो उन्हें हमेशा अपने डोमिनेटिंग स्टाइल के लिए ही जाना ही जाता था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों से जिस तरह का एटीट्यूड उनका रहता था वो किसी कड़वाहट से कम नहीं था। मैदान में स्लेजिंग, तीखे शब्दों का आदान प्रदान और हर मैच में भारतीय खिलाड़ियों के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वार करना, ये सब ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक ट्रेडमार्क बन चुका था। ये जो आज की जनरेशन है उनके लिए बताते चले, या पॉन्टिंग, लैंगर, हेडन को आज बड़े प्यार से बातचीत करते हुए देखते होंगे, तो एक काम करना,
जरा अपने से पिछली वाली जनरेशन यानी कि 90s में मैच देखने वाली पीढ़ी से पूछना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैसा व्यवहार किया करते थे भारत को लेकर के। उनको यहाँ आना भी पसंद नहीं था, इंडिया को वो थर्ड क्लास समझते थे। यहाँ तक कि उस समय के कुछ खिलाड़ियों ने खुद बताया कि भारत के खिलाफ खेलते समय उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग रहता था। मैथ्यू हेडन जो बाद में आईपीएल में सीएसके के लिए खेले और भारत को अपना दूसरा घर मानने लगे, ये उस दौर में मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों को आंख दिखाने से नहीं चूकते थे। हेडन ने एक बार खुद कहा था कि हमारे लिए भारत के खिलाफ खेलना एक ऐसा अनुभव था जिसमें या तो आप जीतते हैं या फिर अपनी इज्जत खोते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आईपीएल से पहले क्रिकेट एक इंटरनेशनल कंपटीशन था जहां हर देश अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए लड़ता था, लेकिन आईपीएल में कुछ नया हुआ। यहां खिलाड़ी अपने देश के बजाय फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे थे और ये फ्रेंचाइजी मतलब केकेआर, एमआई, सीएसके जैसी टीमें सिर्फ भारतीय नहीं थी बल्कि इनके मालिकों का सोच पूरी तरह से ग्लोबल था। उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करके एक नई शुरुआत की और यहीं से शुरू हुआ एक बदलाव का सफर। आईपीएल में पहली बार विदेशी खिलाड़ियों को करोड़ों की फीस मिलने लगी। अब सोचिए, जहां ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पूरे साल अपने देश के लिए खेल करके जितना कमाते थे उतना उन्हें आईपीएल के कुछ हफ्तों में ही मिलने लगा। साथ ही उनके क्रिकेट बोर्ड्स को भी अब खासा पैसा मिलने लगा। उदाहरण के लिए एंड्रू साइमंड्स, जो बेहद अग्रेसिव और सख्त खिलाड़ी माने जाते थे, वो भी आईपीएल के आकर्षण में खींचे चले आए। जब डेक्कन चार्जर्स ने साइमंड्स पर करोड़ों की बोली लगाई तो इसे देख करके हर किसी को एहसास हुआ कि आईपीएल केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पैसे और ग्लैमर का पावर हाउस है। यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग, जो समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, उन्होंने भी केकेआर के लिए खेलने का ऑफर स्वीकार किया। अब सोचिए, जो खिलाड़ी खुद भारत के खिलाफ मैदान पर तीखे तेवर दिखाते थे वो भारत में खेलने आ रहे थे और वो भी भारतीय दर्शकों के सामने। आईपीएल के बारे में एक खास बात ये थी, यहाँ खिलाड़ियों के साथ सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि उन्हें एक परिवार जैसा माहौल मिला। आईपीएल के फ्रेंचाइजी ने अपने खिलाड़ियों को अपने परिवार का हिस्सा माना, जैसे कि सीएसके की टीम। यहाँ खिलाड़ियों को सिर्फ मैच खेलने के लिए ही नहीं बुलाया गया बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने की पूरी कोशिश की गई। सीएसके के माइक हसी, जो पहले कभी भारत के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, सीएसके से जुड़ने के बाद उन्हें भारत से गहरा लगाव हो गया। आज भी वो खुद को सीएसके का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि चेन्नई में मुझे घर जैसा महसूस होता है। अब ये भावना सिर्फ सीएसके तक ही सीमित नहीं था, मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए किरण पोलार्ड ने भी ऐसा ही महसूस किया। उन्होंने कहा था कि मुंबई ने मुझे अपनाया और मुझे शहर से प्यार हो गया। ये अपनापन जो शायद ऑस्ट्रेलिया में टीम बेस्ड क्रिकेट में नहीं मिलता था, उसने उन्हें भारत के करीब ला दिया। आईपीएल ने सिर्फ खिलाड़ियों के जेब को ही नहीं बल्कि उनके दिलों को भी भारत से जोड़ दिया। आईपीएल में जब हर टीम के खिलाड़ी साथ खेले तो उन्हें एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका मिला। वो विदेशी खिलाड़ी जो भारत में सिर्फ एक विरोधी की तरह आते थे, अब भारतीय खिलाड़ियों के साथ रहकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। आप उनको होली मनाते हुए देख सकते हैं। निकोलस पुरन को दाल बाटी चूरमा का चस्का लग गया है। केकेआर ने पिछली बार स्टार को मिलियंस में नहला दिया। एक और उदाहरण डेविड वार्नर का लेते हैं। पहले वो मैदान पर एक सख्त और एग्रेसिव खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आईपीएल ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया। एसआरएच के साथ जुड़ने के बाद वो तेलुगु बोलने की कोशिश करते, भारतीय खाना खाते और भारतीय फैंस से खुल करके जुड़ते। आईपीएल के बाद वार्नर की भारत से इतना गहरा जुड़ाव हो गया कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भारतीय फैंस के लिए तेलुगु में वीडियो बना करके पोस्ट किया। और हाँ, ये मत भूलिए कि आईपीएल ने विदेशी खिलाड़ियों को भारत में फैंस का प्यार और सम्मान भी दिया जो शायद उन्हें अपने देश में भी नहीं मिल पाया था। एडन गिलक्रिस्ट को डेक्कन चार्जर्स के फैंस ने जितना प्यार दिया उसे पाकर के वो खुद हैरान थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने इतने सारे देशों में क्रिकेट खेला लेकिन जो प्यार मुझे भारत में मिला वो अनमोल है। ग्लेन मैक्सवेल की पॉपुलैरिटी का आलम तो ये है कि पंजाब के लोग उन्हें प्यार से मल्टी मैक्सवेल कहने लगे। और तो और, मैक्सवेल ने खुद ये कहा कि आईपीएल ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। 2014 में पंजाब के लिए खेलते हुए मैक्सवेल ने शुरुआती 3 मैचों में 90 प्लस स्कोर करते हुए माहौल सेट कर दिया था। पंजाब को ऐसा मोमेंटम मिला कि वो फाइनल खेल गए। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो कभी भारत को सिर्फ एक प्रतिद्वंदी देश मानते थे, आईपीएल के बाद उनकी सोच में गहरा बदलाव आया। अब वो भारत को सिर्फ एक विरोधी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में देखते हैं। जो खिलाड़ी कभी भारतीय पिचों को डस्टी एंड डर्टी बोलते थे वो अब यहाँ खुद को सेटल्ड महसूस करते हैं। पैट कमिंस, जिन्होंने केकेआर और फिर एसआरएच के लिए खेलते हुए भारत के प्रति अपनी बॉन्डिंग को महसूस किया, उन्होंने कहा था कि जब मैं यहाँ खेलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने दूसरे घर में हूँ। तो दोस्तों, आईपीएल ने सिर्फ एक टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया बल्कि एक कम्युनिटी का निर्माण किया। आईपीएल ने उन दीवारों को तोड़ा जो देशों की सीमाओं ने खड़ी कर रखी थी। आज जब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी भारत में खेलते हैं तो खुद को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आईपीएल ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां खिलाड़ी सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और अपनेपन का एहसास भी पाते हैं। आईपीएल ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के दिलों में भारत की तहजीब, खाने पीने और लाइफस्टाइल के प्रति ऐसी दीवानगी भर दी जिसे देख करके कभी कभी लगता है कि जैसे ये खिलाड़ी आधे भारतीय ही हो गए। चलिए आपको कुछ दिलचस्प किस्सों से रूबरू करवाते हैं जो इन खिलाड़ियों के बदलते व्यवहार को और गहराई से दिखाते हैं। डेविड वार्नर को ही ले लीजिए, भाई साहब ने तो हद पार कर दी। आईपीएल के दौरान वो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि अपनी टीम के साथ भारत की गालियों और मसालेदार खाने का भी लुत्फ उठाते हैं। वार्नर को अब तो भारतीय मसालों से इतना प्यार हो गया है कि वो साउथ इंडियन रिसर्च पर वीडियो बनाते हैं और उनके डांस वीडियो को भला कौन भूल सकता है। वार्नर अब सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और तो और, उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी भारतीय संस्कृति से जोड़े। सोची, एक ऑस्ट्रेलिया स्टार और उसकी पूरी फैमिली इंडिया के रंग में रंगी हुई है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ये भी कम नहीं है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के लिए खेलते हुए मैक्सवेल ने भी भारतीय पकवानों की ऐसी आदत लगा ली कि अब बिरयानी
और दाल मखनी के बिना उनका दिन ही अधूरा लगता है। एक बार आरसीबी के मैच के बाद उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे भारतीय खाना उनके दिल के सबसे करीब है और बिरयानी तो जैसे उनकी लाइफलाइन बन गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय मसाले और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी वाकई शानदार है और इन सब ने मुझे इंडिया का दीवाना बना दिया है। अब आते हैं ब्रेट ली पर, वो खतरनाक गेंदबाज जिन्होंने अपनी स्पीड से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। आईपीएल के दौरान ब्रेट ली का एक नया अवतार देखने को मिला। जब वो केकेआर के लिए खेले तो वो कोलकाता के फैन फेवरेट बन गए और जानते हैं अब क्या हो गया। दाल बाटी चूरमा से लेकर पनीर टिक्का तक ली को सब पसंद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह तक कह डाला कि दाल मखनी की तो मुझे अब लत लग चुकी है। मजेदार बात तो यह है कि बॉलीवुड में भी एंट्री मार चुके हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी अब सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं रहे बल्कि इंडिया के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ बैट बॉल से ही नहीं बल्कि मसालेदार खाने, देसी डांस और इंडियन फैंस से भी उतना ही लगाव है। आईपीएल ने इन खिलाड़ियों को वो प्यार और अपनापन दिया है जिसकी वजह से आज ये ऑस्ट्रेलियाई सितारे अपने आप को आधा भारतीय मानते हैं। आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का व्यवहार ऐसा बदला कि आप कहेंगे क्या ये वही खिलाड़ी हैं जो कल तक भारतीय पिचों पर तलवारें खींचे चलते थे। 2001 और उसके पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की मानसिकता का स्तर इतना जटिल और दृढ़ था कि वो किसी भी देश का दौरा करें एक चीज पहले से ही फिक्स थी, सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। और ऊपर से उनका रवैया और भारत जैसे क्रिकेट लविंग देश के प्रति उनकी संकुचित मानसिकता का स्तर हमने 96, 98, 2001 में देखा था। उसके बाद लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन 2007 में क्या हुआ हम सब जानते हैं। बस उसके बाद से आज तक मैदान में भले ही गहमा गहमी होती हो लेकिन मैदान के बाहर कोई भी ऑस्ट्रेलिया भारत को लेकर के नेगेटिव या नस्ली टिप्पणी कम ही करता दिखता है, क्योंकि आईपीएल में इन्हें लोगों का प्यार तो मिलता ही है, साथ ही टीमों को लीड करने का मौका भी मिलता है। शेन वार्न, गिलक्रिस्ट, रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ी आईपीएल टीम्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जहां शेन वार्न और गिलक्रिस्ट ने आईपीएल के शुरुआती दो संस्करण जीतकर यह दिखा दिया कि इनकी लीडरशिप में भारतीय युवा टैलेंट क्या कर सकता है। इसका सीधा असर आने वाले आईपीएल सीजन में भी दिखा। एसआरएस की कप्तानी डेविड वार्नर और पैट कमिंस कर चुके हैं, इसके अलावा पंजाब की कमान जॉर्ज बेली ने संभाली हुई थी। इससे यह पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर लीडरशिप में अच्छे हैं ही, साथ ही भारतीय खिलाड़ियों, मैदानों, खान पान, रहन सहन में भी वो अच्छे तरीके से घुल मिल गए हैं। तो दोस्तों, आईपीएल ने सिर्फ एक लीग के रूप में नहीं बल्कि दो देशों के रिश्तों को बदलने का काम किया है। आज ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी न सिर्फ भारत के फैन है बल्कि वो इस देश को अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं, चाहे उनके सोशल मीडिया पोस्ट हो या उनके बयान, हर जगह आप उनके दिल में भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। आज की डेट में क्रिकेट के साथ साथ दोनों देशों के बीच एक कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है और हम सब ये जानते हैं ये सब आईपीएल की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।